Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Subject Mathematics, Class 6, Exercise 8E, page number 98, question number 2. Find the value of the given expression. So, part A. A is equal to 4t plus h when t is equal to 3, comma h is equal to 5. So, solution. A is equal to 4t plus h. A is equal to t, क्योंकि हमारे पास 3 है तो t की जगह 3 लिखेंगे, x की जगह 5 पुट करेंगे. Just putting. So 4 into 3 plus h की जगह 5 पुट कर लिया. इसके बाद a अपनी जगह, equal अपनी जगह, 4 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12 plus 5. So simple add करेंगे तो हमारे पास 17. So 17 will be answer. Part B, student homework. Part C. C is equal to W is equal to V plus M by 5 when V is equal to minus 3, comma M is equal to 8. So yeah, B supposition hai. Just putting. So solution, W is equal to V plus M by 5. So V की जगह minus 3 put करना है, plus अपनी जगह M की जगह 8 by 5. इसके बाद क्योंकि नीचे हमारे पास 1 है तो हम एक तरीका ये है कि डायरेक्ट सेम लेना है, या इस तरह भी कर सकते हैं कि हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे. हमारे पास या 5 है या हमारे पास 1 है तो 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 5. सो 1 के साथ हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी ऊपर भी. सो माइनस 3 मल्टीप्लाई 5, 1 मल्टीप्लाई 5. सो हमारे पास प्लस अपने का 8 बाई 5 अपने जगह. सो इसके बाद माइनस 3 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 15, नीचे 5 प्लस अपने जगह 8 बाई 5 अपने जगह. इसके बाद हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है तो 1. सो 5 नीचे लिखना है, 5 हमारे पास एलसीएम है. तो स्टूडेंट ऐसा भी कर सके कि ऊपर हमारे पास जो वो डायरेक्ट लिखना है, या इस तरह के 5 पर डिवाइड करना है फिर ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करना है. तो ये मेथड थोड़ा डिफिकल्ट है. तो स्टूडेंट ऐसा भी कर सकते हैं कि ऊपर हमारे पास जो डायरेक्ट लिखना है, तो माइनस 15 प्लस अपनी जगह 8 ऊपर है तो 8 लिखना है. इसके बाद हमारे पास सिंपल कैलकुलेशन है. सो माइनस ग्रेटर है सो माइनस साइन लिखना है. सो माइनस 15 प्लस 8, सो हमारे पास माइनस 7 बाई 5. सो माइनस 7 बाई 5 विल बी आंसर. इसके बाद क्वेश्चन 3. इट इज डेंजर टू गिवन एन एडल्ट डोज ऑफ मेडिसिन टू अ चाइल्ड. वन ऑफ द सेफ रूल्स अ डॉक्टर फॉलोज व्हेन प्रिस्क्राइबिंग a child dose is C is equal to n to a plus 1 multiply d divided by 24, where C is equal to safe child dose, a is equal to child age and year, d is equal to adult dose. For a certain medicine, if 30 ml is the adult dose, what will be the safe dose for part A, a 5-year-old child, part B, a 6-month-old child. So yeah, hum A and B two part malum karenge. To solution hamare paas. Part A. A is equal to 5 year, kyunki ye hamare paas given hai. D is equal to 30 ml, kyunki ye bhi given hai. C is equal to A plus 1 multiply D by 24. तो इसके बाद वैल्यू पुट करना है. पास सिंपल कैलकुलेशन है. सो C इज इक्वल टू ए प्लस 1 मल्टीप्लाई डी डिवाइड बाई 24. सो A की जगह 5 पुट करेंगे, प्लस अपनी जगह 1 अपनी जगह, मल्टीप्लाई डी हमारे पास 30 है तो D की जगह 30 लिखा, इसके बाद 24 अपनी जगह. सो 5 प्लस 1 हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 24 बाई 24. इसके बाद 6 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 180, नीचे 24 लिखेंगे,
इसके बाद 180 24 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 7.5 ml आंसर। इसके बाद पार्ट बी, एज इक्वल टू 6 months, क्योंकि एज इक्वल टू 6 months क्योंकि हमारे पास ईयर में, तो मंथ हम ईयर में चेंज करेंगे तो 6 months हमारे पास हाफ ईयर के बराबर है, तो इसकी जगह हम एज इक्वल टू 6 months की जगह हम 1/2 year, सो डी इज इक्वल टू 30 ml। सो इसके बाद फार्मूला लिखेंगे सी इज इक्वल टू ए प्लस 1 × डी बाई 24, सो 14 सी इज इक्वल टू ए की जगह 1/2 प्लस अपने जगह 1 अपने जगह मल्टीप्लाई डी की जगह 30 नीचे 24। इसके बाद सी इज इक्वल टू ई सी एम देंगे, 2 ई सी एम है, सो 2 पर डिवाइड कर हमारे पास 1 + 2 1 पर डिवाइड हमारे पास 1 1 2 के साथ मल्टीप्लाई करें हमारे पास 2 आएगी, 30 × 30 नीचे 24 लिखेंगे। सी इज इक्वल टू हम 1 + 2 ऐड करें तो हमारे पास 3/2 × 30/24। इसके बाद कैंसलेशन करेंगे, 32 पर डिवाइड करें हमारे पास 15 आएगी, सो नेक्स्ट हम 3 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे नीचे 24 लिखना है, तो जब हम 3 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 45 नीचे 24। इसके बाद 45 24 पर डिवाइड करेंगे हमारे पास 1.87 ml आंसर। सो दिस इज एनफ फॉर टुडे।